जिलायुक्त बरेली मंडल बरेली सौम्या अग्रवाल ने पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली जोन डॉक्टर राकेश सिंह के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार पहुंच जिलाधिकारी मनोज कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह, अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों एवं निर्वाचन में लगे प्रभारी अधिकारियों के साथ नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, निर्भीक एवं सक्षम सम्पन्न कराने के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। मंडलायुक्त ने चुनाव के संबंध में अधिकारियों से बिंदुवार विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का अक्षरशः पालन कराते हुए चुनाव संपन्न कराया जाए, इसमें कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं की जाती। चुनाव में जिस अधिकारी एवं कर्मचारी को जो दायित्व सौंपे गए उन्हें पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। चुनाव के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहे, कोई भी शिकायत होने पर उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, सभी टीमें सक्रिय होकर कार्य करें। पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली जोन ने कहा कि एसडीएम एवं सीओ भ्रमण कर सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सभी कार्यों को पूर्ण करा ले, शत प्रतिशत शस्त्रों को जमा करा लिया जाए, अवैध शराब की बिक्री किसी भी दशा में न हो पाए, चुनाव में केवल सरकारी वाहनों का ही प्रयोग किया जाए, खराब माहौल करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने जन सामान्य से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक एवं अफवाह न फैलाएं, बड़ी सतर्कता के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें, यदि कोई भ्रामक एवं अफवाह फैलाता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से पुलिस को दे। सोशल मीडिया पर की जा रही पोस्ट की एवं टिप्पणियों की टीम द्वारा लगातार विशेष निगरानी की जा रही है, चुनाव को सक्षम संपन्न कराने में सहयोग करें। इस अवसर पर SPRA जय प्रताप, SP सिटी AK श्रीवास और नगर मजिस्ट्रेट ब्रजेश कुमार सिंह समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।